हेलो, आज से हम लोग एक यात्रा का प्रारंभ करेंगे। और यह यात्रा किस चीज़ पे होगी? तो ये यात्रा हमारी नीट बायो को प्रिपेयर करने की होगी। और इस यात्रा में जो पहला कदम हम लोग आज जो उठा रहे हैं, वो पहला कदम यही है कि इसके सिलेबस पे थोड़ी सी बातचीत की जाए और किन किताबों को, किन बुक्स की मदद ली जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि बायो को प्रिपेयर करते वक्त किन बातों का ख्याल रखा जाए, क्योंकि एज ए टीचर मैं इस बात को स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि तीनों सब्जेक्ट्स में जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई सबसे कम साइंटिफिक तरीके से होती है वो बायो ही है। और दैट्स वाई जो भी बच्चे जो पढ़ने में थॉट प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं, हु आर यूजिंग देयर ग्रे मैटर टू प्रिपेयर बायोलॉजी या एनी ब्रांच, उनको जिस तरह की पढ़ाई दी जाती है खास करके सर्टेन इंस्टीट्यूशंस में, जो कि इस बात का दावा करते हैं कि हम सबसे बेहतर तरीके से चीज़ों को बच्चों तक पहुंचाते हैं, लेकिन बायो के जहां तक टीचिंग का सवाल है उसमें थॉट प्रोसेस या जो से हम लोग कहते हैं कि जो साइंटिफिक तरीका जो होना चाहिए किसी भी साइंस को पढ़ाने का, वो तरीका सामान्यतः मिसिंग होता है। तो व्हाट शुड बी द अप्रोच टू स्टडी बायोलॉजी, ये सबसे महत्वपूर्ण डायमेंशन होगा आज के लेक्चर का। और बायो को टोटैलिटी में कैसे कंसेप्चुअलाइज करें, उसके लिए क्या आपको करना चाहिए, इस मुद्दे को भी हम लोग स्पर्श करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक कंटेंट का सवाल होगा, कंटेंट हमने मोर और लेस आपको बता दिया कि आज के लेक्चर में हम लोग किन बातों को देखने जा रहे हैं। सबसे पहली बात कि सिलेबस क्या होगा, फिर लाइफ साइंसेस को कैसे हम देखें, उसके डिफरेंट डायमेंशंस कौन से होंगे, जो इंपॉर्टेंट ब्रांचेज होंगी वो कौन सी होंगी, एंड व्हाट वुड बी आवर अप्रोच, हमारा अप्रोच क्या होगा इस पूरे विषय को तैयार करने के लिए। देखो, बायो के बारे में हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि ये सब्जेक्ट जो है वो नीट के लिए कोर सब्जेक्ट की तरह एक तरह उसे देखिए आप, क्योंकि 50% ऑफ द टोटल क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन एंट्रेंस एग्जाम बायो से आता है। नेचुरली उसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि आसान हैं, किसी भी अच्छे बच्चे के द्वारा उसमें से एक ठीक ठाक नंबर में प्रश्नों को उनकी अपनी पढ़ाई से ही उसे सही सही हल किया जा सकता है। लेकिन जो जिस स्तर पे आपको जो लेवल, जो थ्रेशोल्ड लेवल होना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए, उसके लिए थोड़ा सा आपको एडिशनल एफर्ट लगाना पड़ेगा। और वो जो एडिशनल एफर्ट होगा, वही एडिशनल एफर्ट जो होगा वो आपको एक निश्चित आपके परफॉर्मेंस को सामान्य परफॉर्मेंस से निश्चित तौर पे ऊपर रखेगा। ये कटिंग एज कैसे मिलेगा आपको, पूरी बातचीत उसी पे होनी चाहिए, पूरी बातचीत उसी पे होनी चाहिए। और ये तभी संभव होगा यदि आप बायो को एक साइंस के रूप में देखने की कोशिश करें। और जो बात मैं कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कि जो सामान्यतः जो बायो टीचिंग में जो समस्याएँ आती हैं, समस्या न कहें, बायो टीचिंग में जो कमियां नज़र आती हैं उनके ऊपर अगर आप काम कर लेंगे तो आपके लिए इसको तैयार करना और समझ के तैयार करना मुश्किल काम नहीं होगा। तो सबसे पहली बात कि ये आपका सिलेबस क्या है, तो पूरी 11th और 12th की सिलेबस जो है उसके 10 यूनिट्स हैं। और इन्हीं 10 यूनिट्स को यूजी नीट का जो सिलेबस है बायो का, उसको हूबहू उसमें रखा हुआ है। जो 11th की यूनिट है, इन जनरल कौन कौन सी चीज़ें हैं उस पर आने के पहले मैं ये बता दूं कि 11th की यूनिट थोड़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव है। और लंबाई का जहाँ तक सवाल है, जहाँ तक नंबर ऑफ जिसे कहा जाए कि पेजेस या तैयारी करने के लिए जो समय चाहिए आपको, वो कंपेरेटिवली 11th वाले हिस्से जो हैं उसमें थोड़ा ज़्यादा वक्त आपको देना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्क्रिप्टिव भी हैं, बहुत सारे कंसेप्चुअल चैप्टर्स भी हैं, बहुत सारे कंसेप्चुअल यूनिट्स भी हैं, लेकिन इसमें कई सारी यूनिट्स हैं जो विचार डिस्क्रिप्टिव वन, थोड़ा ज़्यादा वक्त उसमें लगेगा। अप्लाइड पार्ट जो हैंगे वो 12th में है। नेचुरली इसमें यात्रा आपकी थोड़ी ज़्यादा आसान होने जा रही है, प्रोवाइडेड
11th में काम आपने अच्छे से किया हुआ है। जो 11th के जो पांच यूनिट्स होंगे उन पांच यूनिट में सबसे पहला यूनिट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है, दूसरे यूनिट की बात करें तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स और प्लांट्स होगा, तीसरे की बात करें तो सेल स्ट्रक्चर एंड बायो मॉलिक्यूल्स या बायोकेमिस्ट्री जिसे कहें, चौथा जो यूनिट होगा दैट विल बी प्लांट फिजियोलॉजी, और फिफ्थ यूनिट विल बी ह्यूमन फिजियोलॉजी। 12th के यूनिट को लेकर के देखिएगा तो पहला यूनिट जो होगा दैट विल बी रिप्रोडक्शन, सेकंड वन वुड बी जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, थर्ड वन वुड बी बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, फोर्थ वन वुड बी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, एंड फाइनली यू विल फाइंड इकोलॉजी। अब ये जो 10 यूनिट्स हैं नीट में लगभग बराबर बराबर प्रश्न पूछे जाते हैं, प्लस माइनस 5% आप देखेंगे अगर 5-10 साल का पेपर आप स्कैन करें, CBSE या बाद में जो नीट का एग्ज़ाम आज की तारीख में NTA कंडक्ट कर रहा है तो उसमें देखेंगे कि 50% रखिए, प्लस माइनस 5% आप उसमें रख सकते हैं। मैंने सिलेबस को बहुत जल्दी बोल दिया, मैंने सिलेबस पे जो बात कही वो काफ़ी जल्दी हमने बोल दी, उसके ये मत समझिए कि मैंने बस ऐसे चीज़ों को कर्सरली टाल दिया है, मैं सिलेबस पे आ रहा हूँ और सिलेबस को कैसे आप जो इसको टोटैलिटी में या इंटीग्रेटेड तरीके से कैसे देखेंगे ये मैं कन्वे करूँगा जस्ट ए फ्यू मिनट्स लेटर, मतलब थोड़ी ए फ्यू मिनट्स बाद, कुछ मिनटों के बाद ही हम लोग उस पर आ रहे हैं। बिफोर दैट पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करें कि लाइफ साइंसेज या बायोलॉजी किसे कहेंगे। तो देखो लाइफ साइंसेज या बायोलॉजी को सिंपल तरीके जो सिंपलेस्ट डिफिनेशन हो सकता है वो यही है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, लाइफ की साइंटिफिक स्टडी को आप बायोलॉजी कहते हैं या लाइफ साइंसेज कहते हैं या बायोलॉजिकल साइंस कहिए, और इसको ऑलवेज हम लोग मानते हैं कि इट्स ए क्वेस्ट, ये एक ऑनगोइंग इंक्वायरी है अबाउट द नेचर ऑफ लाइफ, जीवन का जो रूप है, जीवन की जो प्रकृति है उसको समझने का ये एक प्रयास है। और ये जो जिसे हम लोग कह रहे हैं कि ये क्वेस्ट या जिसे हम लोग कह रहे हैं इंक्वायरी अबाउट द नेचर ऑफ द लाइफ, ये किन किन डायमेंशंस को स्पष्ट किन किन डायमेंशंस को स्पर्श करता है, हम लोग लाइफ साइंसेज में वही तमाम डायमेंशंस इसमें देखते हैं। और ऑब्वियस है कि ये जो डिफरेंट डायमेंशंस होंगे उन डिफरेंट डायमेंशंस में उसका जो उसकी मॉर्फोलॉजी जो होगी, उसकी एनाटॉमी जो होगी, उसकी हिस्टोलॉजी जो होगी, उसकी साइटोलॉजिकल लेवल पे उसके जो स्ट्रक्चर्स होंगे बायोमोलिकुलर, उसका जो कंपोजिशन होगा, उसका जो ऑर्गेनाइजेशन होने जा रहा है, उसकी फिजियोलॉजी कैसी होगी, हाउ देयर विल बी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, हाउ देयर इज इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन, हाउ एनर्जी प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस, ये अलग अलग जो डायमेंशंस होंगे, हाउ ऑर्गेनिजम्स आर गोइंग टू ग्रो एंड डेवलप, हाउ दे आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस, ये जो अलग अलग डायमेंशंस होंगे उन डायमेंशंस के अलावा जो पूरे पृथ्वी पे जो एक लिविंग बींग का नेटवर्क है वो हिस्सा, और उसके साथ साथ इसके जो अप्लाइड एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उन सारी चीज़ों पे आपको इसमें चर्चा आपके द्वारा की जाती है। इसमें अगर हम चर्चा करें कि जिसे हमने कहा कि लाइफ साइंसेज इज एक्चुअली साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ, तो एक बड़ा स्वाभाविक सा प्रश्न होगा कि आखिर लाइफ क्या है, तो द टर्म लाइफ डिफाइज अ डिफिनीशन, कभी भी ये संभव नहीं होता है कि कोई हम लोग परफेक्ट डिफिनीशन लाइफ को दे सकें, लाइफ के लिए कोई परफेक्ट डिफिनीशन आपके पास नहीं है, लेकिन जिनके पास लाइफ है जो लिविंग बींग्स हैं उन लिविंग बींग्स के द्वारा क्या कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स शो की जाती हैं जो किसी नॉन लिविंग एंटिटी में नहीं होंगी, उनके बेसिस पे हम लोग डेफिनेटली लाइफ को कैरेक्टराइज करते हैं। तो द टर्म लाइफ डिफाइज अ डिफिनीशन, लेकिन जो लिविंग बींग्स हैं जिनमें कहा जाता है कि जीवन मौजूद है उनके द्वारा जो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई जाएंगी, द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर मिसिंग इन नॉन लिविंग, उसके आधार पर जीवन को समझने का हम लोग हमेशा प्रयास करते हैं। इसमें आप लेकर के देखिएगा कि जो भी लिविंग बींग्स होंगे उन लिविंग बींग्स में एक मेटाबॉलिज्म होने जा रहा है, उनकी एक डेफिनेट ऑर्गेनाइजेशन होगी, उसके अलावा उनमें मूवमेंट दिखेगा, कंसियसनेस चेतनशीलता जिसे कहते हैं वो उनके द्वारा दिखाया जाएगा, इसके अलावा रेगुलेशन की बात आएगी, दे हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, उसके अलावा इवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस और उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो लिविंग बींग में आपको दिखाई पड़ेगा। इनके बारे में विस्तार
विशेष विस्तार हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देंगे, लेकिन एलिमेंट्री लेवल पे कुछ बातों को अभी ही मैं बता दे रहा हूँ। अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म का मतलब होगा सम टोटल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। जो भी लिविंग बींग होंगे उन तमाम लिविंग बींग्स के सेल्स के अंदर बहुत सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस होने जा रहे हैं, विच वुड बी प्राइमरली ऑफ टू टाइप्स। कुछ उसमें बायोसिंथेटिक होंगे जो कुछ न कुछ बायोमोलिक्यूल को सिंथेसाइज करेंगे, और कुछ उसमें होंगे जो बायोडिग्रेडेटिव नेचर होगा, जिसमें किसी एक पदार्थ को तोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो ये जो दो प्रकार की क्रियाएं होंगी, एक को जो बायोसिंथेटिक क्रियाएं होंगी उनको हम लोग एनाबोलिज्म बोलेंगे, जो बायोडिग्रेडेटिव क्रियाएं होंगी उनको हम लोग नाम देंगे कि ये कैटाबोलिक रिएक्शंस होंगे। और एनाबोलिक और कैटाबोलिक रिएक्शंस को इकट्ठे तौर पे लेकर के देखें तो उसे हम लोग कहेंगे कि ये मेटाबॉलिज्म है। जो भी लिविंग बींग्स होंगे निश्चित तौर पे वो मेटाबॉलिज्म दिखाएंगे, उनमें निश्चित तौर पे मेटाबॉलिक रिएक्शंस वुड बी टेकिंग प्लेस। दूसरी बात जो होगी कि उनका ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन उनकी हॉलमार्क होगी। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज यू विल फाइंड कि वो उनका एक डेफिनेट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होने जा रहा है। हालांकि ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे, मतलब ये जो टर्म ऑर्गेनाइजेशन है इसको सब सेलुलर लेवल से लेकर के ग्लोबल टर्म तक आप इसके अलग अलग डायमेंशंस देखेंगे, इसका अलग अलग मैनिफेस्टेशंस देखेंगे। सब सेलुलर लेवल पे जो बायो मॉलिक्यूल्स होंगे दे विल ऑर्गेनाइज टू फॉर्म सब सेलुलर स्ट्रक्चर। सब सेलुलर स्ट्रक्चर के ऑर्गेनाइजेशन के बाद सेल बनेगा, सेल के मिलने से टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज के मिलने से ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनाइजेशन से पॉपुलेशन के बाद स्पीसीज, स्पीसीज के बाद कम्युनिटी, कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, लैंडस्केप, एंड फाइनली पूरे पृथ्वी पे आपको एक बायोस्फीयर दिखाई पड़ेगा। तो ये पूरा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्पेक्ट्रम है। हम लोग अगर लिविंग बीइंग की बात करें तो लिविंग बीइंग में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक फीचर के रूप में साइट करेंगे। फॉर लिविंग बीइंग वी विल साइट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन बीइंग द कैरेक्टरिस्टिक फीचर। दूसरी बात जो मूवमेंट की बात होगी, तो मूवमेंट जो भी लिविंग बीइंग होंगे उनमें आपको मूवमेंट दिखाई पड़ेगा, वो परसेप्टेबल लोकोमोशन नहीं हो, पोजिशनल शिफ्ट। जैसे एक व्यक्ति के रूप में हम लोग जो हैं, तो इंडिविजुअल के रूप में वी मे चेंज द पोजिशन, हम अपने शरीर को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, ये लोकोमोशन होगा। लेकिन सारे ऑर्गेनिज्म इस तरह का लोकोमोशन आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन मूवमेंट इज डेफिनेटली टेकिंग प्लेस एट, अगर ऑर्गेनिज्म के लेवल पर मूवमेंट नहीं दिखाई पड़ेगा तो ये इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो लिविंग बींग नहीं है, क्योंकि मॉलिकुलर लेवल पे मूवमेंट डेफिनेटली हर लिविंग बींग में आपको दिखेगा ही दिखेगा, नहीं दिखे ऐसा नहीं होने जा रहा है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कंसियसनेस, कंसियसनेस की चर्चा करें तो उसमें आप पाइएगा कि एबिलिटी टू रिस्पोंड टू एक्सटर्नल सर्टन स्टिमुलाई, किसी स्टिमुलाई के प्रति रिस्पोंड करने की क्षमता, जो हमारे सराउंडिंग में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे परिवेश में कोई भी परिवर्तन अगर हो रहा है तो बीइंग लिविंग बीइंग वन कैन परसीव इट, हम इसको महसूस कर सकते हैं। और हम महसूस कर सकते हैं डजंट मीन कि हम एज ए, मतलब ह्यूमन बीइंग बात मैं कर रहा हूँ, किसी हायर एनिमल के लिए, किसी हायर एनिमल के बारे में ये बात कही जाए तो सब लोग कह देंगे कि चूंकि उसमें सेंस ऑर्गन्स हैं, उनमें नर्वस सिस्टम बड़ा वेल डेवलप्ड है, बड़ा वेल डेवलप्ड उनका ब्रेन है, दैट्स वाई वो किसी भी चेंज को परसीव कर लेते हैं। लेकिन ये जो क्षमता होगी, ये क्षमता आपको प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में भी दिखाई पड़ेगी, ये क्षमता अमीबा जैसे सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी दिखाई पड़ने जा रही है। तो कंसियसनेस जो होगा उसको भी एक कैरेक्टरिस्टिक के तौर पे आप साइट करते हैं। दूसरी बात कि हम में रेगुलेशन की भी क्षमता होती है, रेगुलेशन वो थर्मो रेगुलेशन हो या ऑस्मो रेगुलेशन हो, अलग अलग तरह के रेगुलेशन की क्षमता हर तरह के ऑर्गेनिज्म में आपको दिखाई पड़ेगी। इसके बाद अगर चर्चा करें रिप्रोडक्शन की, तो कोई भी लिविंग बींग इमोर्टल नहीं होता है। हालांकि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं उन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में जो कंसेप्ट है डेथ का, उसके उसमें कई ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होंगे जो डेथ के पहले सेल डिवीजन के द्वारा, सेल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपने आप को एक से दो, दो से चार के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एक यूनिट के रूप में उनकी डेथ नहीं होती है, एक यूनिट के रूप में आपको डेथ वहाँ पे नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन बाकी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनकी डेथ, अगर उनका जन्म हुआ है, अगर वो अस्तित्व में आए हैं तो उनकी डेथ होगी। ये जो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होंगे उनके डेथ के बावजूद भी
जो लाइफ होता है दैट परपिचुएट्स, जीवन एक सतत रूप से प्रवाहमान क्रिया है, लगातार जीवन चलता है, भले ही इंडिविजुअल्स की डेथ हो, डेथ इज इनविटेबल, दैट इज बाउंड टू हैपन, डेथ होगा, लेकिन इसके बावजूद भी जीवन चलता है, इसके बावजूद भी स्पीसीज परपिचुएट करती है। कैसे? तो उसके लिए एक फिनोमेनन जिम्मेवार होगा, एंड दैट विल बी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है लाइक बिगेट्स लाइक, जो जैसा है वो अपने ही तरह के दूसरे ऑर्गेनिज्म को क्या करेगा, जन्म देगा। जो जैसा है वो अपने ही तरह के ऑर्गेनिज्म को अगर प्रोड्यूस करे तो इस क्रिया को हम लोग रिप्रोडक्शन कहने जा रहे हैं। उसके अतिरिक्त आप लेकर के देखें इवोल्यूशनरी एडेप्टेशंस। तो देखो, जो हमारी परिस्थितियाँ, जो हमारा परिवेश है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, वो एनवायरनमेंट अभी जैसा है वो हमेशा ऐसा ही रहे, ऐसा नहीं होता है। निश्चित तौर पे एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, निश्चित तौर पे यू विल फाइंड कि एनवायरनमेंट जो होगा वो परिवर्तित होता है। अब एनवायरनमेंट में अगर चेंजेस आ रहे हैं तो उन चेंजेस के लिए जो हमारे तमाम फीचर्स हैं, मैं जब भी हमारे शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसका मतलब है लिविंग बींग्स। तो जो भी राइट नाउ लिविंग बींग्स हैं, वो लिविंग बींग्स अपने तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ क्या उन चेंजेस को फेस कर सकते हैं? उन चेंजेस की वजह से अगर कोई समस्या खड़ी होती है तो क्या उस समस्या का समाधान उनके द्वारा किया जा सकता है? क्या उस, मैंने कहा कि वो जो चेंजेस आ रही हैं वो चेंजेस एक चैलेंज भी हो सकते हैं, क्या उस चैलेंज को फेस करने के लिए उनके कैरेक्टरिस्टिक्स उनकी मदद करेंगे? तो इसका जवाब होगा कि बहुत बार ऐसा होगा कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो उन चेंजेस को भी बर्दाश्त करने की क्षमता देते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होगा कि वो चेंजेस होंगे वो उस स्पीसीज के या उन तमाम लिविंग बींग के विरुद्ध जा सकते हैं। तो फिर ऐसी परिस्थिति में ऑर्गेनिज्म कैसे सर्वाइव करेंगे? तो उन ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक वेरिएशन या उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो चेंज करते हैं, और ये चेंजेस डायरेक्शनल नहीं होंगे, जस्ट चेंजेस वुड बी देयर, ये चेंजेस होंगे। अब उसमें से सर्टेन चेंजेस ऐसे हो सकते हैं जो चेंजिंग एनवायरनमेंट में उसको फायदा पहुंचा देंगे, और कुछ चेंजेस ऐसे हो सकते हैं जो उसको घाटा पहुंचा दें। तो जिनको घाटा होने जा रहा है, जिनको समस्याएं होने जा रही हैं ड्यू टू चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्वियस है कि दे विल बी ग्रेजुअली एलिमिनेटेड फ्रॉम द पॉपुलेशन, और वैसे ऑर्गेनिज्म जिनको एडवांटेज मिला है चेंजेस की वजह से, डेफिनेटली देयर नंबर इज गोइंग टू इंक्रीज। ये जो परिवर्तन होगा, इसी परिवर्तन को हम लोग इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन के नाम से जानेंगे। एंड फाइनली एक और फीचर की बात हम लोग कर रहे हैं, और वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। जब कभी भी ग्रोथ की बात आती है तो आप किसी छोटे से बीज को आप देखिए, बीज को जब आप मिट्टी में डालते हैं तो फिर कैसे वो सिडलिंग के रूप में डेवलप करेगा और फाइनली एक पौधा या एक वृक्ष बन जाएगा, या और कुछ नहीं अगर आपको याद आ रहा हो तो कम से कम ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जब भी आपने पढ़ा होगा, एलिमेंट्री चीज़ें आपको जरूर 10th में पढ़ाई जाती हैं कि जायगोट बना, जायगोट के बाद माँ के गर्भ में बच्चे का विकास हुआ, जन्म के बाद जो छोटा प्यारा सा बच्चा जन्म लेता है वो फिर ग्रो करता हुआ एडल्टहुड को प्राप्त करता है, डॉट डॉट डॉट। ये जो इरिवर्सिबल चेंज इन मास वॉल्यूम जो होने जा रहा है, इसी इरिवर्सिबल चेंज को हम लोग ग्रोथ कहेंगे। लेकिन ये ग्रोथ इननेट होना चाहिए, इननेट ग्रोथ या इंट्रिंजिक लेवल पे होने वाला जो ग्रोथ है, ये जो ग्रोथ होगा, ये ग्रोथ ही बेसिकली लिविंग बींग की खास बात होने जा रही है। तो ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग बींग के द्वारा आपको दिखाई जाएंगी, और इन्हीं के स्टडी को, ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें हैं उनको हम लोग कहते हैं कि ये सजीव हैं, ये लिविंग बींग हैं, इनमें जीवन है, और उसी के अध्ययन को आप कहेंगे कि ये क्या है, लाइफ प्रोसेस है। अब रही बात इंपॉर्टेंट ब्रांचेस, तो देखो जब भी ब्रांचेस की बात आएगी तो जो सर्टेन क्वेश्चन बैंक्स आते हैं मार्केट में 2-3 किलो के बड़े बड़े, उनको अगर देखोगे तो 200-300-400-500 ब्रांचेस तो आराम से 10 पेज 15 पेज 20 पेज में मिल जाएगा। लेकिन मैं इसको पागलपन समझता हूँ कि उन तमाम ब्रांचेस को बैठ के तैयार किया जाए। जब आप पठन पाठन कीजिएगा, जब बायो के अलग अलग एस्पेक्ट्स को आप पढ़िएगा तो बहुत सारे ब्रांचेस खुद ब खुद आपको याद हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग जो आपके सिलेबस में मेन ब्रांचेस जो ली गई हैं, जो यूनिट्स बनाए गए हैं, उन यूनिट्स में जो तमाम अलग अलग ब्रांचेस को लेकर के देखा गया है उनके ऊपर हम लोग जल्दी से एक बातचीत कर लेते हैं। उसमें आप लेकर के देखिएगा कि टैक्सोनॉमी की चर्चा की जाती है। टैक्सोनॉमी को कभी भी हम लोग कहते हैं कि टैक्सोनॉमी इज बेसिकली साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन।
देखो जो डाइवर्सिटी है लिविंग बींग की, वो डाइवर्सिटी 1.7 मिलियन है स्पीसीज डाइवर्सिटी, एटलीस्ट इतने स्पीसीज रिपोर्टेड है। हालांकि ये पूरे स्पीसीज डाइवर्सिटी के, इस पूरे स्पीसीज डाइवर्सिटी के बारे में ये बात कही जाती है कि स्टिल ह्यूज स्पीसीज डाइवर्सिटी को आज तक अभी तक हम लोग एक्सप्लोर नहीं कर पाए। लेकिन अगर मान लें कि स्पीसीज डाइवर्सिटी उतनी ही है, तो इसको स्टडी करने का तरीका क्या हो सकता है? तो अगर इंडिविजुअली आप लेकर के स्टडी करना शुरू करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही मुश्किल काम होने जा रहा है। लेकिन अगर आपने टैक्सोनॉमी की मदद ली, तो इन इस पूरी डाइवर्सिटी को या जो लाइफ के जो अलग अलग डायमेंशंस हैं, उनको स्टडी करना आपके लिए आसान होगा। इसको एक सिंपल एनालॉग से आप समझ लीजिए कि आपके घर में अगर 1000 किताबें हैं और आपसे सडनली कहा जाए कि 9th की मैथमेटिक्स की किताब निकाल के लाइए, तो हो सकता है कि जब जाएं तो किताबें अगर आपके घर में रैंडमली रखी हुई हैं, किसी निश्चित पैटर्न में नहीं रखी गई हैं, तो हो सकता है कि जब जाएं तो आप जैसे ही एक दो किताबें छुएं, आपको 9th की मैथमेटिक्स की किताब आपको मिल जाए। ये हो सकता है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बाकायदा आप 500, 700, 800 किताबें एक एक किताब पलट के खोजते खोजते 2-3 घंटे के बाद आपको मिले कि अच्छा भाई 9th की मैथमेटिक्स की किताब है। ऐसा भी हो सकता है, ये भी संभावना है। लेकिन अगर आपने अपने घर में किताब को एक निश्चित तरीके से अरेंज किया हुआ है, तो फिर आपके लिए उस पार्टिकुलर या किसी भी पार्टिकुलर बुक को सर्च करना एकदम आसान काम होने जा रहा है। और कई चीज़ें ऐसी होंगी जो बिना किताब को पढ़े हुए भी आप बाहर से ही बता सकते हैं कि इस बुक की ये खास बात होने जा रही है। कैसे? जैसे अगर आप नियम बना लें कि आप अपने घर में जितनी भी बुक्स हैं उन बुक्स को क्लास वाइज अरेंज करेंगे, स्टैंडर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके, और आपने उनको अलॉट कर दिया कि जो सबसे स्टैंडर्ड 1 की बुक होगी वो सबसे नीचे वाले सेल्फ पे रहेगी, 2 वाली बुक उसके ऊपर, 3 ऐसे करके अलग अलग सेल्फ पे बुक्स रहेंगी। तो ऑब्वियस है कि अगर 12th लेवल तक की बुक्स आपके घर में हैं, तो 12 सेल्फ में ये किताबें आप अरेंज कर देंगे। दूसरा प्रिंसिपल कि विद इन द सेल्फ किताबों को कैसे रखेंगे, तो विद इन द सेल्फ आपको एक और नियम बना लीजिए कि भाई सबसे पहले मातृभाषा जो हिंदी है या उर्दू है जो भी है उसकी किताब को मैं रखूँगा, उसके बाद मैं अंग्रेजी वाली बुक रखूँगा, फिर मैं मैथमेटिक्स की किताब रखूँगा, उसके बाद बायोलॉजिकल केमिकल फिजिकल साइंसेज, उसके बाद मैं जो सोशल साइंसेज की किताब है उनका भी एक निश्चित पैटर्न आप तय कर लीजिए, उस पैटर्न के हिसाब से आप किताबों को रखेंगे। और इस तरीके से अगर आपने बुक को अरेंज कर दिया और अब आपसे कोई कहता है कि 9th की मैथमेटिक्स की किताब लाओ, तो आप सीधे देखेंगे कि 9th नंबर सेल्फ पे आप पहुंचेंगे। और अगर आपने ये नियम बनाया है कि हिंदी अंग्रेजी और मैथमेटिक्स, तो 3rd पोजीशन पर जो किताब होगी आप सीधे अपनी उंगली रखेंगे और बता देंगे कि दिस वन इज़ द बुक ऑफ मैथमेटिक्स ऑफ 9th स्टैंडर्ड। या अगर आपको पहले स्थान पे आपने किसी किताब को रखा 9th सेल्फ पे, तो आप आराम से कह देंगे कि ये 9th स्टैंडर्ड की बुक है और ये हिंदी की किताब है। ये बात आप बिना बुक को खोले हुए भी कह सकते हैं, ये बात बिना बुक को खोले हुए भी कर सकते हैं। तो ये जो क्षमता आपको मिली, ये क्षमता मिली क्योंकि आपने बुक को क्लासिफाई किया। और अगर ये छोटे से 1000 बुक के लिए ये बात इतनी सही है, तो अगर ये मामला 1,00,000 का हो या 10,00,000 का हो, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि ये तरीका कितना यूजफुल तरीका हो सकता है। तो जो स्पीसीज डाइवर्सिटी है, दैट्स यूज, और डेफिनेटली उसको स्टडी करने के लिए उनको क्लासिफाई करना ही बेस्ट स्ट्रेटजी हो सकती है। दिस साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज एक्चुअली टैक्सोनॉमी। यही जो साइंस है वर्गीकरण का, इसी वर्गीकरण के विज्ञान को हम लोग टैक्सोनॉमी कहेंगे। और उसके बाद बात आती है मॉर्फोलॉजी की। तो देखो, जो तमाम लिविंग बींग हैं जिनको आप क्लासिफाई करने जा रहे हैं, क्लासिफाई किस आधार पर करेंगे? तो ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें जो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो बिना किसी स्पेशलाइज टूल के आपको आराम से दिखाई पड़ जाएगा, वो होगा एक्सटर्नल फीचर्स, कि उसके एक्सटर्नल फीचर्स कैसे हैं। तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स जो होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म का, उसको आप मॉर्फोलॉजी कहेंगे। एनाटॉमी की बात अगर करें, तो ये ऐसा इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी है जो माइक्रोस्कोपिक है, विच कैन बी व्यूड विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, बिना माइक्रोस्कोप की मदद के जो रचनाएं आपको दिख जाए नेकेड आई से,
वो जो इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी होगी, उस इंटरनल स्ट्रक्चर के स्टडी को हम लोग एनाटॉमी बोलेंगे। अगर मैं इसको उदाहरण लेके बोलूं तो जैसे अगर कोई आप में से मांसाहारी होगा, मांस लाने अगर गया होगा तो देखा होगा कि अगर वहाँ पे बकरे को लेकर के देखें, देन विल फाइंड कि उसके तमाम इंटरनल ऑर्गन्स आपको दिखाई पड़ेंगे। उसका लीवर दिखाई पड़ेगा, उसका इंटेस्टाइन दिखाई पड़ेगा, उसका हार्ट दिखाई पड़ेगा। तो ये जो नेकेड आई से विजिबल होगा कि दिस आर द पार्ट्स, तो ये एनाटॉमिकल स्टडी होगा। लेकिन अगर वही इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी माइक्रोस्कोपिक हो जाती है, जिसे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहें, तो वो हिस्टोलॉजी हो जाएगा, दैट विल बिकम हिस्टोलॉजी। तो उसको हम लोग कहते हैं कि इट्स ऑलवेज अ स्टडी ऑफ टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर। इसमें टिश्यू, उसके ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर की जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होगी, दैट विल बी नोन एज हिस्टोलॉजी। या फिर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन और जो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन होगा, उसको हम लोग कहेंगे कि ये हिस्टोलॉजी है। हालांकि प्लांट सिस्टम में आपको और एनाटॉमी जो आप स्टडी करेंगे, उसमें आपको टिश्यू स्टडी करना होगा, क्योंकि प्लांट में इस तरह का कोई ऑर्गन सिस्टम आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। फिर उसके बाद साइटोलॉजी की बात करें, तो देखो जब कभी हम टिश्यू की बात करते हैं, तो टिश्यू का मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन ऑरिजिन डेवलपमेंट एंड फंक्शन। सेल्स का ऐसा समूह जिनकी उत्पत्ति, जिनकी ऑरिजिन डेवलपमेंट और फंक्शन आइडेंटिकल हो, उसको आप टिश्यूज कहेंगे। बट व्हाट अबाउट द सेल्स? तो सेल्स की स्टडी को आप साइटोलॉजी में देखते हैं। और अगर उसके बाद बात करें बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री की ये डिफिनेशन मुझे बड़ी पसंद है कि केमिस्ट्री ऑफ लाइफ इज एक्चुअली बायोकेमिस्ट्री। बायो मॉलिक्यूल्स कैसे हैं और बायो मॉलिक्यूल्स का इंटरप्ले कैसा है, तो द बेसिक इंटरप्ले ऑफ बायो मॉलिक्यूल्स इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनिफेस्टेशन ऑफ लाइफ। जीवन का ये जो रूप आपको दिखाई पड़ता है, उसकी जो केमिस्ट्री होती है एट मॉलिकुलर लेवल, उसी को आप बायोकेमिस्ट्री कहेंगे। दैट्स द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ। फिजियोलॉजी की बात करें, तो ये लाइफ प्रोसेसेस की स्टडी होने जा रही है। जैसे हम अगर लिविंग बीइंग की बात करें, उसमें भी प्लांट और एनिमल की बात करें, तो एज एन एनिमल हमारी अपनी कोई लाइफ प्रोसेस है। हम रिस्पायर करते हैं, हम डाइजेस्ट करते हैं, हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हम चीज़ों को देखते हैं, स्पर्श करते हैं, महसूस करते हैं, या फिर हम अपने शरीर से तमाम मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालते हैं। ये हमारी लाइफ प्रोसेसेस हैं। इन लाइफ प्रोसेसेस को, जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहें, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहें, नर्वस सिस्टम कहें, एंडोक्राइन सिस्टम कहें, डॉट डॉट डॉट, ये जो तमाम तरह के सिस्टम्स होंगे, इन तमाम सिस्टम्स को स्टडी करना, तमाम लाइफ प्रोसेसेस को स्टडी करना फिजियोलॉजिकल स्टडी होता है। और अगर ये स्टडी ह्यूमन फिजियोलॉजी की है, तो ह्यूमन बीइंग्स में अगर ये स्टडी है, तो उसे ह्यूमन फिजियोलॉजी कहेंगे। और ये स्टडी अगर प्लांट के बारे में है, तो उसे प्लांट फिजियोलॉजी कहेंगे। ऑब्वियस है कि प्लांट फिजियोलॉजी में आप डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं देखेंगे, नर्वस सिस्टम नहीं देखेंगे, उसकी लाइफ प्रोसेसेस एनिमल की लाइफ प्रोसेसेस से थोड़ी अलग होने जा रही हैं। वहाँ पे आपको फ़र्क दिखेगा, थोड़ा नहीं कहें, वो फ़र्क होगा, वो डेफिनेटली डिफरेंट फिजियोलॉजी होगी। अगर प्लांट की बात कहें, थोड़ी डिफरेंस नहीं, थोड़ा डिफरेंस नहीं कहें, कहें कि लार्ज डिफरेंसेस दोनों की फिजियोलॉजी में आपको दिखेगा। फिर उसके बाद अगर आप चर्चा करें जेनेटिक्स की, तो हमने कुछ देर पहले आपको कहा था कि डेथ इज इनेविटेबल, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एग्जिस्टेंस में आए हैं उनकी डेथ होगी, लेकिन इसके बावजूद भी लाइफ परपिचुएट्स या स्पीसीज परपिचुएट्स। तो ऑब्वियस है कि एक फेनोमेनन हमने कहा था कि जिम्मेवार होगा, एंड द फेनोमेनन इज रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में कहा गया कि जो ऑर्गेनिज्म होगा, वो ऑर्गेनिज्म अपने ही तरह के दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। तो इसका मतलब होगा कि देर विल बी ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स ऑफ वन जनरेशन टू इंडिविजुअल्स ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। तो ये जो ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, यही हेरिडिटी है। इसी के स्टडी को हम लोग जेनेटिक्स कहते हैं। तो जेनेटिक्स इज एक्चुअली स्टडी ऑफ हेरिडिटी और साथ में लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन। ऐसा नहीं होगा कि जो एक ऑर्गेनिज्म है जिसको हम पेरेंट कहें, वो पेरेंट हूबहू अपने ही तरह के दूसरे ऑर्गेनिज्म को जन्म देगा, ऐसा नहीं होगा। जो प्रोजेनी होगी, दैट विल बी शोइंग ए लिटिल बिट ऑफ डिफरेंस कंपेयर टू देयर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स से थोड़ा वो फर्क दिखाएगा। तो डिग्री ऑफ डिफरेंस जो प्रोजेनी दिखाएगा अपने पेरेंट्स से, उसको हम लोग वेरिएशन कहेंगे। तो जेनेटिक्स में हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड, जिसे हम हेरिडिटी कहें, और वेरिएशन, इन दोनों चीज़ों को हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। इसके बाद फिर बात आती है इकोलॉजी की।
तो इकोलॉजी में आप लेकर के देखेंगे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑर्गेनिज्म जो होंगे वो अपने सराउंडिंग के साथ, फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करने जा रहे हैं. सॉरी, नॉट फिजिकल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट डजंट मीन फिजिकल एनवायरनमेंट, दैट विल बी इंक्लूडिंग फिजिकल एंड बायोलॉजिकल बोथ. दोनों तरह के एनवायरनमेंट को वो इनकॉर्पोरेट करेगा, दोनों को शामिल करेगा. तो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी टोटैलिटी में अपने सराउंडिंग के साथ, जिसमें फिजिकल और बायोलॉजिकल दोनों कंपोनेंट शामिल होंगे, उनमें किस तरह का उनके बीच का रिलेशनशिप है, तो टोटैलिटी ऑफ रिलेशनशिप दैट विल बी द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोलॉजी. उसके साथ इसमें आप देखेंगे कि तमाम लिविंग बीइंग पूरी दुनिया में एक नेटवर्क, नेटवर्किंग उनकी रहती है, और यही वजह है कि एक जगह भी कोई अगर आप परिवर्तन करेंगे तो इसका असर आपको दिखाई पड़ेगा. अगला जो मुद्दा होगा वो एम्ब्रायोलॉजी होगा. तो एम्ब्रायोलॉजी में हम लोग देखते हैं कि हाउ गैमेट्स आर गोइंग टू बी फॉर्म, गैमेटोजेनेसिस कैसे होगा, हाउ फर्टिलाइजेशन वुड बी टेकिंग प्लेस, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जायगोट बनेगा, हाउ जायगोट वुड डेवलप, जायगोट का डेवलपमेंट कैसे होगा, एम्ब्रियोजेनी कैसी होगी, एम्ब्रायो डेवलपमेंट कैसे होगा, इसी चीज़ को हम लोग एम्ब्रायोलॉजी कहेंगे. तो फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, इन्हीं के स्टडी को हम लोग एम्ब्रायोलॉजी का नाम देंगे. अगर मॉलिकुलर बायोलॉजी की बात करें तो फिजिकोकेमिकल नेचर जो होगा, सिंथेसिस जो होगा, इंटरेक्शन जो होगा तमाम बायो मॉलिक्यूल का, लिविंग बींग के जो तमाम मॉलिक्यूल्स होंगे उनका फिजिकोकेमिकल नेचर कैसा है, उनकी सिंथेसिस कैसे होगी, हाउ दे विल इंटरेक्ट, ये जो होगा इसी को हम लोग मॉलिकुलर बायोलॉजी कहेंगे. इसमें बहुत सारे मुद्दे बायोकेमिस्ट्री और इसमें ओवरलैप करेंगे. माइक्रोबायोलॉजी आज की तारीख में एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट COVID-19, सब लोग बात कर रहे हैं COVID-19 के बारे में, सब लोग कोरोना वायरस के बारे में बातचीत कर रहे हैं. तो ये जो सार्स को वायरस है, उस वायरस के बारे में अगर पूछा जाए कि हैव यू सीन इट, तो लोग कहेंगे नहीं, तो इतना छोटा है कि नहीं देख सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को ये, सामान्य व्यक्ति को भी ये पता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं. तो सच ऑर्गेनिजम्स जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख पाते उनको माइक्रोब्स कहते हैं. उसमें वायरसेस हैं, बैक्टीरिया हैं, कई फंगल मेंबर्स हैं, कुछ अल्गल मेंबर्स हैं. तो देयर आर सो मेनी मेंबर्स जो कि माइक्रोस्कोपिक हैं, और ऐसे ही तमाम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम को जिनको कलेक्टिवली हम लोग माइक्रोब्स कहेंगे, ये एक हेट्रोजीनस ग्रुप होगा, उसके स्टडी को हम लोग माइक्रोबायोलॉजी कहने जा रहे हैं. और इम्यूनोलॉजी, COVID-19 की वजह से ये जो शब्द है, ये शब्द आज की तारीख में हर व्यक्ति को पता है कि इम्यूनिटी नामक एक सिस्टम हमारे पास होता है जो किसी भी पैथोजेनिक या एजेंट से हमारी अपनी रक्षा करता है. तो ये जो इम्यूनिटी जो होगी, जो किसी भी पैथोजेन के विरुद्ध लड़ने में हमारी मदद करता है, किसी भी इन्फेक्शन को जो फाइट करता है, उसी इम्यूनिटी की स्टडी को इम्यूनोलॉजी कहा जाता है. आज की तारीख में ये शब्द काफ़ी कॉमन वर्ड हो गए हैं कि ये जो होगा इम्यूनो बूस्टर्स होना चाहिए, इम्यूनिटी को इन्हांस करने वाली चीज़ें ली जानी चाहिए, अदरक खाना चाहिए, हल्दी दूध के साथ मिला के पीनी चाहिए, या गिलोय लेना चाहिए. तो ये शब्द आज की तारीख में कॉमन वर्ड्स हैं, लेकिन व्हाट दे आर गोइंग टू डू, दे आर गोइंग टू बूस्ट, दे आर गोइंग टू इंक्रीज द इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी के स्टडी को ही इम्यूनोलॉजी हम लोग बोलेंगे. बायोटेक्नोलॉजी जो है अप्लाइड एस्पेक्ट है, और इसमें ये होगा कि इट्स साइंस ऑफ अप्लाइड बायोलॉजिकल प्रोसेसेस. जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस हमें हमारी जानकारी में है, नॉन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं, दे कैन बी यूज्ड फॉर आवर वेलफेयर. हम अपने भलाई के लिए, हम अपने भले के लिए बायोलॉजिकल प्रोसेसेस का, सेल्स का, माइक्रोब्स का अगर इस्तेमाल करते हैं तो ये बायोटेक्नोलॉजी कहलाएगा. इसी को कहेंगे कि ये क्या है, बायोटेक्नोलॉजी है. तो दिज आर द मेन ब्रांचेस जिस पे पूरी आपकी सिलेबस को कन्फाइन किया गया है. मैंने पहले भी आपको कहा कि आप आराम से 200-300-400-500 ब्रांचेज आपको गाइड में दिख जाएगा, बट इसको शेयर मैडनेस, मैं प्लेन पागलपन मानता हूँ कि उन तमाम ब्रांचेज को तैयार किया जाए. मेन ब्रांचेज यही हैं, इसमें से कई सारे ब्रांचेज आपको पता होंगे, जो नहीं थोड़े एक आध दो या जो ए फ्यू ब्रांचेज आपको नहीं पता होंगे, आप उसको तैयार करने की कोशिश कीजिए. बाकी ब्रांचेज जब आप पढ़ाई करेंगे तो बहुत सारे ब्रांचेज खुद ब खुद आपको तैयार हो जाएंगे, उसके लिए अलग से प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है. अब रही बात कि भाई किन किताबों को पढ़ेंगे आप, तो जो टेक्स्ट बुक आपकी NCERT 11th और 12th की हैं उनको आप पढ़िए, और किसी स्कूल में अगर आप एडमिटेड हैं तो ऑबियस है कि आपके स्कूल टीचर किसी न किसी बुक की सलाह देंगे, वो बुक आप परचेज कीजिए. क्वेश्चन बैंक प्रीवियस ईयर का बनाइए,
क्वेश्चन बैंक आप प्रीवियस का बनाइएगा, लेकिन राइट नाउ आपको ये काम करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बात आती है कि जो सिलेबस है, मैंने शुरू में कहा था कि सिलेबस में मैं थोड़ा जल्दी मूव कर गया हूँ, क्योंकि जिस तरीके से सिलेबस लिखा गया है वो फिजिकल इंटिटी के तौर पे अलग अलग लग रहा है आपको कि ये यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ये सारी चीज़ें डिस्टिंक्ट यूनिट्स के रूप में जो रखी गई हैं वो बिल्कुल सेपरेट एंटिटीज़ हैं। मैंने वहीं पे आपको थोड़ा सा हिंट किया था कि नहीं, चीज़ों को देखने का ये तरीका सही नहीं है, इस तरीके से चीज़ों को आप कंसेप्चुअलाइज नहीं कर सकते। तो जो आपको तमाम यूनिट्स जो हमने बताए उन तमाम यूनिट्स को लेकर के अगर देखें, तो जो सबसे पहली यूनिट हमने 11th की बताई थी, फर्स्ट स्लाइड पे अगर मैं शिफ्ट करूं तो जो सबसे पहली यूनिट मैंने आपको बताई थी, दैट यूनिट वाज रिलेटेड टू डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, लिविंग बीइंग, लिविंग वर्ल्ड में डाइवर्सिटी कैसी है, डाइवर्सिटी की शाब्दिक, डाइवर्सिटी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, विविधता। जो सजीवों, जो लिविंग बींग्स हैं, दे सो ह्यूज डाइवर्सिटी। मैंने कहा कि अगर स्पीसीज डाइवर्सिटी की बात करें तो इट्स नॉट लेस देन 1.7 मिलियन। तो ऑब्वियस है कि इतनी ह्यूज डाइवर्सिटी, और उसमें भी एनवायरमेंटलिस्ट का ये मानना है या इकोलॉजिस्ट का ये मानना है कि ये पूरी डाइवर्सिटी का एक छोटा हिस्सा है जो नोन है, बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जिसके बारे में आज भी हमारे पास जानकारी नहीं है। तो पहला जो यूनिट है उसमें ये डाइवर्सिटी आपको दिखाई पड़ता है, और इस डाइवर्सिटी को विटेकर के क्लासिफिकेशन के अनुसार 5 अलग अलग किंगडम में प्लेस कर दिया गया है। जो तमाम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, दे हैव बीन प्लेस्ड इन मोनेरा, तमाम जो प्रोकैरियोटिक फॉर्म्स होंगे उनको मोनेरा में प्लेस किया गया है, तमाम यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक फॉर्म्स को प्रोटिस्टा में रख दिया गया है, जो प्लांट्स हैं ऑटोट्रॉफिक मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक जो फॉर्म्स हैं उनको प्लांटी में रखा गया है, यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर और होलोजोइक मोड जो दिखाते हैं उनको एनिमालिया में प्लेस किया गया है, और जो ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं लेकिन हेटरोट्रॉफिक, पैरासाइट या सेप्रोट्रॉफ होंगे, ए फ्यू ऑफ देम वुड बी इवन सिम्बायोंट, उनको हम लोग फंजाई के अंदर रखते हैं। तो ये जो 5 किंगडम्स बनाए गए हैं, ये 5 किंगडम्स जीवन के 5 विविध रूपों की तरफ संकेत करते हैं। तो ये इन 5 किंगडम्स के माध्यम से हम लोग लिविंग वर्ल्ड में जो डाइवर्सिटी मौजूद है उस डाइवर्सिटी को स्टडी करते हैं। ये नहीं है कि वो बहुत एग्जॉस्टिव डिस्कशन है, लेकिन वो एक पैनोरामिक डिस्कशन जरूर है जो एक बहुत बढ़िया आइडिया आपको देता है कि जीवन के कितने विविध रूप आपको इस पृथ्वी पर दिखाई पड़ेंगे। मैंने कहा ना कि वो डिस्कशन बहुत एग्जॉस्टिव नहीं है, क्योंकि +2 लेवल पर इतना आपके पास इतना समय नहीं है, या आपका करिकुलम इतना बड़ा नहीं किया जा सकता है कि मतलब वो उस पे काम करना मुश्किल हो जाए, लेकिन जब स्पेशलाइजेशन जो लोग करते हैं उनको पता है कि इस डाइवर्सिटी का कितना एग्जॉस्टिव फॉर्म हो सकता है, आपको उतनी चर्चा नहीं करनी है। लेकिन मैंने कहा ना कि ये बर्ड्स आई व्यू, पूरे डाइवर्सिटी का एक पैनोरामिक व्यू डेफिनेटली आपको मिलता है, और उससे आपको फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया होता है कि इस पृथ्वी पे जीवन के कितने विविध रूप मौजूद हैं। लेकिन ये जो विविधता आपको दिखाई पड़ती है, इस विविधता के साथ जो बात दिखनी चाहिए वो ये है कि डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी देयर इज अंडरलाइंग यूनिटी अमॉन्ग देम, उनके बीच में एक अंडरलाइंग यूनिटी आपको दिखाई पड़ती है। और ये जो अंडरलाइंग यूनिटी होगी, एक प्रश्न खड़ा होगा कि इस अंडरलाइंग यूनिटी का फॉर्म क्या है, इस अंडरलाइंग यूनिटी को आप किस रूप में देखते हैं। तो अंडरलाइंग यूनिटी के कई सारे फॉर्म्स होने जा रहे हैं। सबसे पहली जो बात होगी कि अगर किसी आप प्लांट को, एनिमल को, फंगल मेंबर को, किसी को भी लेकर कर स्टडी करें, तो जिन बायोमोलिकल्स का वो बना हुआ है उन बायोमोलिकल्स को लेकर के देखें, तो आप पाएंगे कि भले ही रूप उनका कुछ और है लेकिन उनके बीच में जबरदस्त सिमिलरिटी दिखाई पड़ेगी। जैसे अगर बात मैं करूं जेनेटिक मटेरियल की, तो वो बैक्टीरियल से लो, प्रोकैरियोटिक से लो, प्लांट का हो, एनिमल का हो, फंजाई का हो, प्रोटिस्टा का हो, तमाम ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटेरियल होगा दैट विल बी डीएनए। और डीएनए का स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो उनके बीच में कोई फर्क आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। हाउ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वुड फ्लो, तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के फ्लो करने में मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, इनकी भूमिका होने जा रही है। और ऑब्वियस है कि सारे ऑर्गेनिज्म में ये बिल्कुल आइडेंटिकल होने जा रहा है। अगर आप उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेकर के देखें, देन यू विल फाइंड कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होगा वो उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो फंडामेंट
फंडामेंटल लेवल पे स्ट्रक्चर होगा, जिन बायो मॉलिक्यूल्स का बना होगा, तो सब जगह देखेंगे कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर इज देयर, उसमें जगह जगह प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड हैं। तो ये इस तरह के जो तथ्य हैं, ये तथ्य बहुत स्पष्ट तरीके से इंडिकेट करते हैं। आप ऐसा नहीं है कि आप पढ़ते हैं कि ये बायोकेमिस्ट्री अमुक ऑर्गेनिज्म का या अमुक ग्रुप का आप देख रहे हैं, आप बायोकेमिस्ट्री एज सच पढ़ते हैं। इसका मतलब होगा कि इट विल बी द फैक्ट्स विच आर देयर, ये अलग अलग तमाम ऑर्गेनिजम्स पे क्या होंगे, लागू होने जा रहे हैं। ठीक उसी तरह अगर आप लेकर के देखें सेल स्ट्रक्चर को, तो सेल थ्योरी पढ़ाते वक्त ही ये बात बताई जाती है आपको, या बताई गई होगी जब कभी भी आपने पढ़ा होगा, कि ये जो नेचुरल साइंस में या बायोलॉजिकल साइंस में जो यूनिफाइंग कंसेप्ट है, जीवन के विविध रूपों को एक साथ लाने वाला जो कंसेप्ट है, उसमें से सेल थ्योरी भी है। जैसे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी ये यूनिफाइंग कंसेप्ट में शामिल होता है, मिचेल्स हाइपोथेसिस भी शामिल होगा जो आप आगे पढ़ेंगे, लेकिन सेल थ्योरी को भी हम लोग कहते हैं कि इट इज़ वन ऑफ यूनिफाइंग कंसेप्ट्स इन नेचुरल साइंसेज या जो बायोलॉजिकल साइंस, उसमें ये यूनिफाई करने वाला है। ये हम लोग नहीं कहते हैं कि ये सेल थ्योरी ऑफ फंजाई है या सेल थ्योरी ऑफ प्लांट है। सेल थ्योरी सब पे, उसके जो पॉस्टुलेट्स हैं, वो सारे ऑर्गेनिजम्स पे, सारे किंगडम्स के ऑर्गेनिज्म पे लागू होते हैं। उसके बाद लेकर के देखें एंजाइम्स के बारे में, तो हर ग्रुप, हर किंगडम में एंजाइम्स आपको दिखाई पड़ेंगे। जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, दे टेक प्लेस अंडर नॉर्मल कंडीशन, जो टेम्परेचर एग्जिस्ट कर रहा है, जो प्रेशर एग्जिस्ट कर रहा है एटमॉस्फेरिक, उसी पे सारा रिएक्शन होगा। एंड रिएक्शंस आर यूजुअली कॉम्प्लेक्स इन नेचर, तो आप टेम्परेचर नहीं चेंज कर सकते हैं, आप प्रेशर नहीं चेंज कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होना है। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को मिला के आपको शुगर बनाना है, या शुगर को तोड़ करके आपको एटीपी बनानी है। तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नॉर्मल एग्जिस्टिंग कंडीशन में कैसे होगा, तो इसके लिए प्रकृति ने एक तरीका निकाला कि उन रिएक्शंस को उसने मल्टी स्टेप कर दिया। लेकिन जब कभी भी मल्टी स्टेप हुआ, तो उसकी वजह से एक बड़ी समस्या खड़ी हुई, और बड़ी समस्या ये खड़ी हुई कि रिएक्शन स्लो हो सकते थे, लेकिन इस समस्या का समाधान प्रकृति ने हर स्टेप पे कैटलिस्ट रख के कर दिया। तो बायोकेमिकल रिएक्शंस आर मल्टी स्टेप रिएक्शंस, बट एट एवरी स्टेप कैटलिस्ट इज प्रेजेंट, स्पेसिफिक कैटलिस्ट इज प्रेजेंट, और सच स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर नोन एज एंजाइम्स। और ये जो स्पेसिफिक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आपको दिखाई पड़ेंगे, ये एंजाइम्स होंगे, और कोई भी किंगडम का ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं होगा जहाँ पे आपको ये एंजाइम्स नहीं दिखाई पड़ेंगे। तो द वेरी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स, द वे दे एक्ट, ये किसी भी लिविंग बींग में बहुत स्पष्ट तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। फिर उसके बाद अगर हम चर्चा करें सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो देखो तमाम लिविंग बींग जो होंगे, उन तमाम लिविंग बींग के द्वारा थर्मोडायनेमिक्स का ये नियम कि हर सिस्टम अपनी एंट्रोपी को, डिसऑर्डरलीनेस को बढ़ाता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होगा या लिविंग सिस्टम जो होगा, इसके अपवाद नहीं है, लेकिन एट एवरी लेवल यू विल फाइंड ऑर्गेनाइजेशन बींग मेंटेन्ड। कैसे होगा? बिकॉज दे कलेक्ट एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, भोजन के रूप में या रेडिएंट एनर्जी के रूप में उसे कलेक्ट करते हैं, और वो जो एनर्जी मिलेगी फाइनली उस एनर्जी के रूप के बदलने के बाद वो एटीपी बनाते हैं, और उस एटीपी की एनर्जी से वो हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करते हैं। तो यहाँ पे जो तथ्य मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ वो ये कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास इस बात की क्षमता होगी कि वो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को ऑक्सीडाइज करें, और ऑक्सीडेशन में जो एनर्जी रिलीज हो उस एनर्जी को कंजर्व करें बाय फॉर्मिंग एटीपी, और फिर उस एटीपी की का इस्तेमाल करके, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि बीइंग अलाइव, जिंदा रहने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक है, उस ऊर्जा को वो एटीपी की मदद से प्राप्त करें। तो कोई लिविंग बीइंग ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा जहाँ पे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को ऑक्सीडाइज करके एटीपी बनाने की क्रिया नहीं होती हो। एवरी लिविंग बींग परफॉर्म्स दिस पार्टिकुलर प्रोसेस। और मज़ेदार बात यह है कि इसमें जो स्टेप्स हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को ऑक्सीडाइज करने का, यदि हम ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की बात करें, तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन में ग्लाइकोलाइसिस होगा, इंटरमीडिएट स्टेप होगा, क्रेब्स साइकिल होगा, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन वुड बी देयर, और ये सारे फिनोमेना जैसा प्लांट में हो एग्जैक्टली वैसा ही फंगस में होगा, वैसा ही एनिमल में होगा, कहीं कोई फर्क नहीं होने जा रहा है। पॉलिटिशियंस, डेमोगॉग्स एंड फैनेटिक्स शुड लिसन दिस फैक्ट, उनको ये बात सुननी समझनी चाहिए।
उसके बाद बात आती है रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन सेल का हो या रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म का हो। अगर सेल के रिप्रोडक्शन की बात करें, अगर हम कहें कि ये सेल साइकिल है, तो सेल साइकिल को हम लोग इंटरफेज, एम फेज में बांटेंगे, एम फेज को प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में बांटेंगे, साइटोकाइनेसिस का एक तरीका होगा। एग्जैक्टली ये सारा फिनोमेना बाई एंड लार्ज आइडेंटिकल होगा, बाई एंड लार्ज ये आइडेंटिकल होंगे, डिफरेंसेज वुड बी माइनर। और अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनिज्म के रिप्रोडक्शन की, तो ऑर्गेनिज्म का जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका होगा, जो ज़्यादा फ्रिक्वेंट तरीका है, वो तरीका भी फंडामेंटल लेवल पे सारे ऑर्गेनिज्म में आइडेंटिकल होगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मोड में फर्क है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो फंडामेंटल लेवल पे सारे ऑर्गेनिज्म में गैमेट का फॉर्मेशन होगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट टू टेक प्लेस। इसमें इस बेसिक स्ट्रेटजी में कहीं कोई फर्क तमाम और किंगडम्स में आपको दिखाई नहीं पड़ने जा रहा है। एंड फाइनली हाउ कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ये जो बेसिक प्रिंसिपल इनहेरिटेंस का होगा, ये भी तमाम ऑर्गेनिजम्स में आइडेंटिकल होने जा रहा है, राइट? तो दिस आर द अंडरलाइंग यूनिटी जो परसेप्टेबल होनी चाहिए, जो विजिबल होनी चाहिए, जिसका एहसास आपको होना चाहिए। और जब इस तरह से चीज़ों को आप देखने की कोशिश करेंगे, तो ये पूरा ये विज्ञान जीवंत आपके लिए होगा। लेकिन एक जो डाइवर्सिटी आपने देखी है, ये डाइवर्सिटी जो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के लेवल पे दिखाई पड़ेगा, उसकी एक अपनी इंटरनल यूनिटी भी है। जैसे प्लांट की फिजियोलॉजी एनिमल की फिजियोलॉजी से अलग ज़रूर है, लेकिन प्लांट के तमाम जो प्लांट्स हैं उनके बीच में ये आइडेंटिकल है, उनकी एनाटॉमी आइडेंटिकल है। ये फर्क, ये तथ्य भी आप दिमाग में रखेंगे, तो जो पूरी आपकी सिलेबस है, उस सिलेबस को इस तरीके से आप देखने की कोशिश कीजिए, और तब मेरे ख्याल से आप सब्जेक्ट के प्रति जस्टिस कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। इसके बाद फिर बात आती है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये अप्लाइड ब्रांचेस हैं, ये जो हैं वो अप्लाइड ब्रांचेस हैं, और इनके स्टडी की वजह से जीवन के जो नए डायमेंशंस हैं वो क्लियर होते हैं। और एक और तथ्य है कि ये इन्होंने हमारे भलाई के लिए भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया है। इकोलॉजी की बात हमने अभी आपसे की थी, मैंने कहा था कि इकोलॉजी है बेसिकली स्टडी ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग। और मैंने उसी में ये कहा था कि पूरा का पूरा जो ये ब्रांच जो होगा, ये हमारी मदद करता है टू अंडरस्टैंड कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द लाइफ जो नेटवर्क के रूप में मौजूद है, कैसे वो ऑपरेट करता है। तो इट विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ वेरियस फॉर्म्स ऑफ लाइफ नेटवर्क इन बायोलॉजिकल कम्युनिटी, बायोलॉजिकल कम्युनिटी में जो तमाम ऑर्गेनिजम्स हैं किस तरह से नेटवर्क करते हैं, ये बात इकोलॉजी कैसे एक दूसरे से वो रिलेटेड है, कैसे एक दूसरे से रिलेट करके वो नेटवर्क बना रहा है ग्लोबल, इस बात को समझने में इकोलॉजी मदद करता है। और फाइनली चर्चा आती है इवोल्यूशन पे। मैंने इवोल्यूशन के बारे में कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि एनवायरनमेंट इज़ कंटिन्यूसली अंडरगोइंग चेंजेस, और टू कोप अप विद दैट हम जेनेटिक वेरिएशन दिखाते हैं। ये जेनेटिक वेरिएशन रैंडम है, ये सच चेंजेस वुड टेक प्लेस, लेकिन कौन सा चेंज हमारे इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में हमारे लिए यूजफुल होगा, कौन हार्मफुल होगा, ये हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं। दैट विल बी डिसाइडेड बाय द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इस बात को डिसाइड करेगा कि ये बंदा इस चेंज के साथ हमारे लिए ज़्यादा सुटेबल है या कम सुटेबल है। और इस तरीके से तमाम स्पीसीज ग्रेजुअली इवॉल्व करते हैं। डिजायरेबल ट्रेट्स वालों की संख्या बढ़ेगी, अनडिजायरेबल ट्रेट्स वालों की संख्या ग्रेजुअली पॉपुलेशन से हटती चली जाएगी। तो अलग अलग जो तमाम ब्रांचेस आपको देखने हैं, वो तमाम ब्रांचेस यही हैं। यहाँ से अब आप शिफ्ट करते हैं अंतिम मुद्दे पे, और वो मुद्दा है कि इस पूरी चीज़ पे हम लोग किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, हम लोगों का अपना अप्रोच क्या होगा। तो मैं सबसे पहली बात ये कहता हूँ कि बायो को साइंटिफिक तरीके से पढ़ने की कोशिश कीजिए। बायो के बारे में एक दुखद बात ये है कि हम ये ज़रूर चाहते हैं कि वन मस्ट बी ट्रीटेड बाय द बेस्ट डॉक्टर, लेकिन हम अपने घर के सबसे अच्छे बच्चे को कहते हैं कि यू शुड प्रिपेयर फॉर
IIT, यू शुड गो फॉर कंप्यूटर साइंसेज। हमें सबसे अच्छे डॉक्टर्स देखें, ये हमारी ख्वाहिश होती है, लेकिन हमारा सबसे अच्छा बच्चा IIT की तैयारी करे। तो जब अच्छे बच्चे काम ही नहीं करेंगे, इस फील्ड में आएंगे ही नहीं, तो बेस्ट डॉक्टर्स कहाँ से आएंगे? ये तो एक बड़ी जनरल बात है, लेकिन अच्छे बच्चे क्यों नहीं ऑप्ट करते हैं? तो उसकी एक बड़ी सिंपल सी वजह है, वजह ये है कि ये ब्रांच ऑफ साइंस उनको साइंस लगता ही नहीं है। उन बच्चों को इतनी ज़्यादा मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी और टैक्सोनॉमी के कुछ हिस्सों से डर लगता है, उसको लगता है कि इसमें क्या करना है, इसमें सिर्फ रट्टा लगाना है। और गार्जियन और कई टीचर्स इस बात को प्रमोट करते हैं, ठीक है, बहुत शार्प मूव नहीं लेता है, बहुत अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट की कैटेगरी में अगर नहीं आता है, तब गार्जियन उसको कहते हैं कोई बात नहीं बच्चा, बायो पढ़ लेना, रट्टा लगा के भी निकल जाएगा। ये अप्रोच, ये जो सोच है, ये सोच गलत है। और जिस तरीके से सर्टेन इस तरीके से कुछ शिक्षक इसको प्रमोट करते हैं कि मेमोराइज करो, ये बात कंडेम की जानी चाहिए। पहली बात है कि ये साइंस है, और अगर साइंस है तो साइंस के तरीके से इसको पढ़ा जाना चाहिए। साइंस के तरीके का क्या मतलब है भाई? तो अगर कोई ऑब्जर्वेशन है, कोई भी अगर ऑब्जर्वेशन है, तो उस ऑब्जर्वेशन के साथ दो तरह के प्रश्न खड़े होते हैं। एक प्रश्न खड़ा होगा वाई, दूसरा प्रश्न खड़ा होगा हाउ। अगर हम कह रहे हैं वाई क्यों, तो क्यों का मल्टीपल आंसर हो सकता है, वाई का मल्टीपल आंसर नहीं होगा। जैसे अगर एक उदाहरण कहें, हालांकि ये सही उदाहरण नहीं है, थोड़ा अटपटा उदाहरण है, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए अच्छा है वो। जैसे किसी गार्जियन को, किसी पिता को बहुत गुस्सा आया, एक थप्पड़ उन्होंने अपने बच्चे को लगा दिया, तो हो सकता है कि बच्चे की माँ पूछे कि आपने क्यों मारा, वाई क्यों मारा। तो अगर इस पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे दुनिया के 100 पिताओं ने अपने अपने बच्चे को थप्पड़ लगाया, कल्पना कीजिए, ऐसा नहीं होगा, रिलैक्स, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसके कितने आंसर होंगे? तो ये 100 के 100 केसेस में अलग अलग आंसर हो सकते हैं। हो सकता है कि इस कोविड के ज़माने में जो पिता हैं, उन्होंने अपने बच्चे को बिना मास्क के ग्रुप में, लोगों को ग्रुप एक समूह में देखा हो उसको गपशप करते हुए, ये कारण हो सकती है। ये कारण हो सकता है कि बाइक बहुत तेज़ गति से चला रहा हो, एक कारण हो सकता है कि वो क्लासेस बंक करके घूम रहा हो, डॉट डॉट डॉट, ऐसे करके मल्टीपल आंसर होंगे। तो वाई कैन हैव मल्टीपल आंसर्स, लेकिन कैसे पीटा, थप्पड़ कैसे लगा, तो थप्पड़ कैसे, हाउ इट हैज हैपेंड, इसका मल्टीपल आंसर नहीं होगा। हाथों के मसल्स को, एबडक्टर मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेके जाएंगे बैक साइड, फिर कितनी तेजी से हमको थप्पड़ लगाना है, कितना जोर का थप्पड़ लगाना है, उसी हिसाब से इसको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे एडक्टर को, और कहाँ पे थप्पड़ लगाना है, पार्टिकुलर दिशा देंगे। दुनिया के 100 केसों या 1,00,000 केसों, ऑलवेज हाउ का आंसर यही होगा, ऑलवेज हाउ का आंसर यही होगा। तो वाई इज, वाई का एक्सप्लेनेशन टिलोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन होता है। वाई जब भी हम पूछते हैं, उसका जो जवाब आता है वो टिलोलॉजिकल आंसर, सुनने में अच्छा लगता है, तैयार करने में आसान होता है, लेकिन वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है। हाउ मे नॉट बी क्वाइट इंटरेस्टिंग, हो सकता है कि वो बहुत अपील न करे, लेकिन साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इज एक्चुअली, मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन इज एक्चुअली साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो बायो में आपको जब आप पढ़ें तो जो ऑब्जर्वेशंस आती हैं, उन ऑब्जर्वेशंस पे वाई एंड हाउ पूछना शुरू कीजिए, हाउ का आंसर प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। अब ये बात मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पे नहीं लागू होगी, क्योंकि ये मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी से, बायो के ब्रांचेज नहीं है, ये बायो की लैंग्वेज है, भाषा है, उन शब्दों को आपको यूज करना है टू अंडरस्टैंड बायो, बायो को समझने के लिए इनके शब्दों को तैयार करना है, ये अपने आप में बायोलॉजिकल साइंस नहीं है, राइट? तो हाउ इट हैज हैपेंड, कैसे ये हुआ है, ये जो तथ्य है, इसी तथ्य को हम लोग कहते हैं कि ये मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन, इसको साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कहा जाएगा। तो बायो में मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन डालने की कोशिश कीजिए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर कैसे, DNA का एसोसिएशन हिस्टोन से कैसे, माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर चैम्बर में pH का कम होना कैसे, ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे जहाँ पे कैसे लगाने की कोशिश कीजिए। और अगर इनका आंसर्स आपको मिल रहा है, तो
तो आपको इसको दिमाग में रखने में कोई कष्ट नहीं होगा और चीज़ें इंटरेस्टिंग आपके लिए होंगी। तो जो सबसे पहली और जो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन मैं अपने बच्चों से कहता हूँ करने के लिए वो यही है कि बायो को साइंटिफिकली पढ़ने की आदत डालिए, उसमें मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लोर कीजिए। आई एग्री कि हर ऑब्जर्वेशन के लिए मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन आपको नहीं मिलेगा, बट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये एक्सप्लेनेशन आपको मिलेंगे। तो आप हाउ पूछने की कोशिश कीजिए और उनके आंसर्स को प्राप्त करने की भी कोशिश कीजिए। ये ट्रांजिशन अगर आपने कर लिया तो आपने आधी से ज़्यादा लड़ाई जीत ली। दूसरी बात उसी के साथ ये बात भी आ गई कि रोट मेमोराइजेशन, रट्टा लगाने की इस टेंडेंसी को स्ट्रांगली डिस्करेज किया जाना चाहिए। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी में बहुत सारे ब्रांचेज आएंगे, यूज देम फ्रीक्वेंटली, उनको फ्रीक्वेंटली यूज़ कीजिए। जितना फ्रीक्वेंटली यूज़ कीजिएगा दोज वर्ड्स वुड बिकम पार्ट ऑफ योर वोकैबुलरी, वो आपके शब्दकोश के हिस्से हो जाएंगे। उसके लिए अलग से एक विषय मान के उसको तैयार करना सब सही नहीं है। आप उसको यूज़ करना शुरू कीजिए, जितनी बार यूज़ करेंगे, मैंने कहा ना कि दैट विल बिकम पार्ट ऑफ योर वोकैबुलरी, वो आपकी वोकैबुलरी का शब्दकोश का हिस्सा हो जाएगा। तो रोट मेमोराइजेशन मस्ट बी स्ट्रांगली डिस्करेज्ड। दूसरी बात जो आएगी वो ये होगा कि खासकर के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बायोलॉजी पे एक साथ छः छः सात सात आठ आठ टीचर्स काम करना शुरू करेंगे। कोई मॉर्फोलॉजी पढ़ाएंगे, कोई साइटोलॉजी पढ़ाएंगे, कोई जेनेटिक्स पढ़ाएंगे, कोई अमुक ब्रांच पढ़ाएंगे। मेरी समझ में आज तक ये नहीं आया कि बिना बायोकेमिस्ट्री के साइटोलॉजी कैसे, बिना मियोसिस के जेनेटिक्स में मेंडलिज्म की पढ़ाई कैसे या लिंकेज तक की पढ़ाई कैसे, बिना क्रोमोसोम के आप लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर तक की चर्चा कर देते हैं। आपने सेल नहीं पढ़ा, एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी आप पढ़ रहे हैं। ये अजीबोगरीब तरीके की पढ़ाई है। इसका मतलब है कि सब्जेक्ट को एक टोटैलिटी में देखने की बजाय, सब्जेक्ट को एक कंप्लीट यूनिट में देखने की बजाय, इसको सेपरेट कंपार्टमेंट्स के रूप में देखा जा रहा है। इसकी जो आत्मा है उसी की हत्या कर दी गई। अगर इस तरह से, अगर इतने गलत तरीके से इसको टुकड़ा टुकड़ा करके अगर पढ़ाया जाएगा, इंटीग्रेशन का अगर ख्याल नहीं होगा, तो फिर समझ अच्छी विकसित हो ये नहीं होने जा रहा है। तो इंटीग्रेशन शुड बी देयर, प्रॉपर सिक्वेंसिंग शुड बी देयर, बायोकेमिस्ट्री, फिर उसके बाद साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के बाद हिस्टोलॉजी, एनाटॉमी, उसके बाद फिजियोलॉजी अगर प्रोसीड करते हैं तो दैट विल बी द प्रॉपर वे टू मूव। अब बिना जेनेटिक्स के आप बायोटेक्नोलॉजी, बिना मॉलिकुलर जेनेटिक्स के आप बायोटेक्नोलॉजी कैसे पढ़ सकते हैं? आपने मियोसिस पढ़ी नहीं और मेंडलिज्म, क्रोमोसोमल थ्योरी और लिंकेज क्रॉसिंग ओवर आप पढ़ रहे हैं? विचित्र बात है, ये नहीं सही है, ये अप्रोच ही सही नहीं है, ये बिल्कुल ही अप्रोच सही नहीं है। फिर उसके बाद लेकर के आप देखें तो आप पाइएगा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी के मामले में बहुत जगह ऐसा होता है कि एनाटॉमी, हिस्टोलॉजी और फिजियोलॉजी के बीच का लाइन ऑफ डिमार्केशन नष्ट कर दिया गया है। इतनी ज़्यादा एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी पे फोकस कर दिया जाता है कि उनको तैयार करते करते बच्चे की ऊर्जा ही बहुत कम हो जाती है जब वो पहुंचता है फिजियोलॉजी पे। सब्जेक्ट जो आपकी सिलेबस है इस मुद्दे पे वो फिजियोलॉजी है, तो उतनी ही एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी पढ़ी जानी चाहिए जो हिस्टोलॉजी, जो इस फिजियोलॉजी को समझने के लिए ज़रूरी है। फोकस शुड बी ऑन फिजियोलॉजी, फोकस शुड नॉट बी ऑन एनाटॉमी एंड हिस्टोलॉजी। ये उस फिजियोलॉजी को समझने के लिए जितनी एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी की जरूरत, जितनी हिस्टोलॉजी की जरूरत है वो काम जरूर हो, लेकिन ऐसा नहीं हो कि फोकस में एनाटॉमी और हिस्टोलॉजी चला जाए। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या इंस्टीट्यूट्स में दिखाई पड़ती है। उसके बाद इवोल्यूशनरी जो चेंजेस हैं और होमोलॉजी की बात जो मैं करता हूँ, टैक्सोनॉमी को प्रायः कहा जाता है कि इसमें बिना रट्टा लगाए हुए नहीं हो पाए। आई डू एग्री कि इसमें कई चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी, लेकिन जब भी हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, क्लासिफिकेशन इज ऑलवेज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स, और उन प्रिंसिपल्स में अगर हम अलग अलग क्लासेस को देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर कैरेक्टर्स को लेकर चार बातें दिखाई पड़ेंगी। कैरेक्टर्स ज्यों का त्यों रह सकता है, यूनिक कैरेक्टर्स डेवलप कर सकते हैं, कैरेक्टर का सिंप्लीफिकेशन हो सकता है या कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, सिंपलर हो सकते हैं, यूनिक कैरेक्टर्स डेवलप कर सकते हैं या कैरेक्टर ज्यों के त्यों रह सकते हैं। तो अगर इस तरह से ट्रांजिशन को दिमाग में रख के आप देखते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कि होमोलॉजी,
सर्टेन ऑर्गन्स के लिए, अगर उसको आप दिमाग में रख के पढ़ाई करते हैं तो शायद टैक्सोनॉमी उतना टफ नहीं होगा, शायद नहीं, टैक्सोनॉमी तब टफ नहीं होगा। टैक्सोनॉमी टफ तब है जब आप वर्टिकली मूव करते हैं, आपके लिए एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप से कोई संबंध नहीं होना ही टैक्सोनॉमी को डिफिकल्ट बनाता है। अगर एक ग्रुप को आप लेकर के देख रहे हैं तो नेक्स्ट ग्रुप में कौन से चेंजेस आए जिससे नेक्स्ट ग्रुप इवॉल्व किया, ये परिवर्तन, ये ट्रांजिशन अगर आपने समझ लिया तो टैक्सोनॉमी वुड नॉट बी दैट डिफिकल्ट। एक्चुअली टैक्सोनॉमी के जो प्रिंसिपल्स हैं इसी आधार पे वो क्लासेस बनाते हैं या ग्रुप्स, अलग अलग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज इसी आधार पे बनाई जाती हैं। तो ये जो हमने कहा कि कैरेक्टर का ज्यों का त्यों रहना, न्यू कैरेक्टर का डेवलप करना, सिंपलर हो जाना या कॉम्प्लेक्स हो जाना, इस बात को दिमाग में रख के अगर अलग अलग न्यू टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पे आप मूव कीजिएगा, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट। और फाइनली बात आती है सर्टेन रीजन की, हालांकि अब इस एम्स का एग्ज़ाम सेपरेट इंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, निट के एग्ज़ाम में ही ये चीज़ें, एम्स के लिए एडमिशन उसी लिस्ट से हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी सर्टेन रीजन आपको बनाना चाहिए इस तरह के प्रॉब्लम्स, क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम से जो मैकेनिस्टिक और टेलोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन होंगे उनके बीच का फ़र्क आपको दिखाई पड़ेगा। कोई ऑब्जर्वेशन अगर है और उसके लिए अगर मैकेनिस्टिक एक्सप्लेनेशन है तो फॉर द गिवन ऑब्जर्वेशन दैट विल बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और अगर टेलोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा तो दैट टेलोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन मे बी ट्रू बट दैट वुड नॉट बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये एसर्शन रीजन होगा और ये आपको विषय की समझ को बेहतर बनाने में मदद करने जा रहा है। तो हम लोगों का अप्रोच यही होगा, जितनी डिफिशियंसीज हमने बताई हैं डेफिनेटली वी विल स्ट्राइव टू अवॉइड दोज डिफिशियंसीज, या जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों से निश्चित तौर पर हम लोग बचने की कोशिश करेंगे, और ऑलवेज ये कोशिश करेंगे कि आप कंसेप्चुअल और होलिस्टिक तरीके से काम कर पाए। एंड फाइनली जाते जाते ये मैसेज भी मैं कन्वे करना चाहता हूँ ऑलवेज, कि कुछ लोग ये समझते हैं कि ये हो जाएगा, ये होगा, वॉन्ट इट टू हैपन, चाहते हैं कि हो, कुछ विश इट वुड हैपन, और कुछ मेक इट हैपन। तो बताने की जरूरत नहीं है कि आपको इसमें से क्या करना चाहिए, पहला दो आपको नहीं करना चाहिए, अंतिम जो है यू शुड मेक इट हैपन, जो आप बिलीव करते हैं यू शुड मेक इट हैपन, आप वो कोशिश कीजिए कि ये हो जाए। विद दैट मैसेज आई स्टॉप हियर। जाते जाते एक मैसेज और दे दूं कि हमेशा ट्रांसपेरेंट रहिए, जो नहीं आता है क्लियर कट टर्म में बोलिए कि ये बात मुझे नहीं आती है, कहीं पे भी जहां कहीं भी रहिए आपको जो नहीं आता है एडमिट इट कि हमको ये नहीं आता है, अपनी कमी को एक्सपोज कीजिए, दिखाइए ताकि उस कमी को दूर किया जा सके। विद दैट मैसेज आज के लिए इतना ही, अपना और अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखिए और ईश्वर का नाम लेके पढ़ाई प्रारंभ कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।